केवल मोदी जी योगी जी का हवा है, मोदी जी योगी जी के बिना कोई नहीं है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपके बीच हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीटी रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव हैं, वो ऑल इंडिया महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो आज वाराणसी पहुंचे हैं और कैंट विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं बतौर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका वाराणसी में स्वागत है, कैसा लगा यहाँ आके? केवल मोदी जी योगी जी का हवा है, मोदी जी योगी जी के बिना कोई नहीं है। हर लोग देखा है मोदी जी आने के बाद क्या क्या हुआ है वाराणसी में। बंगाल से ममता बनर्जी आज आई हुई हैं, अखिलेश यादव भी हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार सफाया कर देंगे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश ये यूपी है, बंगाल नहीं है। बंगाल अलग है, यूपी अलग है। यूपी के यूपी में हर हर महादेव है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ का ताकत के सामने बंगाल का ताकत कमजोर है, एकदम कमजोर है। बीजेपी फिर आएगा, पक्का है। अखिलेश यादव बोलते हैं बीजेपी जब जब चुनाव आता है असेंबली का या लोकसभा का तो ये हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगा लेती है, वो आरोप लगाते हैं तुष्टिकरण का। तुष्टिकरण कौन किए, कौन गोली मार दिए जय श्री राम बोलने वाले के ऊपर? उन्होंने लाग दिया कार सेवक के ऊपर, कौन गोली मार दिया है, सापा मार दिया है। तुष्टिकरण कौन किए, सापा ने किए। बाहुबली लोगों को मजबूत करने का काम कौन किए, सापा ने किए। आज बुलडोजर चल रहा है, बाहुबली का काम खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी बोलते हैं सर कि ये बीजेपी जो है देश को दो भागों में बांटना चाहती है, इसी देश में दो देश करना चाहती है, उनका इशारा धर्म पे है। राहुल जी, इतिहास समझ लो, आप समझ लो 1947 में कौन भारत का विभाजन किया, कौन भारत का विभाजन किया? आपका परदादा के प्रश्न पूछो, कौन बांट दिया? हम लोग नहीं है। बीजेपी की बढ़ती जो लोकप्रियता से घबरा के अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आप मंदिर हमको बनाना होता तो जल्दी बना देते, ये लोग तो देर कर रहे हैं, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ये चेंजेस है, ये वोट का ताकत है। मोदी जी आने के बाद, योगी जी आने के बाद सोच बदल दिया है, ये ताकत है। फिर एक बार योगी जी आएंगे, डबल इंजन सरकारें आएंगे, उनका ताकत है तो, उनका ताकत है तो। अयोध्या में मंदिर का काम शुरू हुआ है, काशी में आधा काम हो चुका है, मथुरा बाकी है। ताकत है तो मथुरा में मंदिर बनाएंगे, ऐसा बोलने का आप बोलिए। उनका ताकत है तो हम बोलेंगे मथुरा भी साफ हो जाएगा, फिर मंदिर बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सीटी रवि, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने बीजेपी की जीत के लिए बहुत कॉन्फिडेंट दिखे और इनको पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है। मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।